तो अगर हम बोलें तो सिर्फ टाटा के नाम पे आपने ये गाड़ी खरीद ली, मतलब जेन्युइन थिंक है ना। आप अगर बोल रहे हैं तो हाँ कुछ ऐसा बोलो कि नहीं पता नहीं चले कि हाँ भाई हाँ सही है। अगर आपने टाटा के नाम पे गाड़ी खरीदी है तो आप टाटा अगर इस गाड़ी को 10 लाख में बेच रही होती तो क्या आप खरीदते? नमस्कार दोस्तों, कार म्यूजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रीत दुबे आज आपके लिए लेके आया हूँ टच की टॉप हॉट सेलिंग कार, जो कि 2020 के अंदर बहुत ज्यादा सेल हुई है। लोगों ने इसको क्यों पसंद किया ये तो हम जानेंगे कार के ऑनर से, क्योंकि मेरे पास तो ये कार है नहीं। तो जिस ऑनर ने ये कार खरीदी है हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने ये कार क्यों सिलेक्ट की, जबकि इस बजट में मार्केट में और भी बहुत सारी कार हैं। तो क्या फीचर वाइज उन्होंने इसको सिलेक्ट किया, या सेफ्टी वाइज इसको सिलेक्ट किया, या प्राइस और जो फीचर है वो मैच कर रहे हैं, मीन जो 8 लाख या 8.5 लाख रुपए इन्होंने पे किया है वो वर्थ है। तो ये चीज़ हम जानेंगे ऑनर से, क्योंकि जब भी कोई कार लेता है गाइज तो वो रिव्यू ज़रूर देखता है यूट्यूब पे या गूगल पे, तो वहाँ से जब वो कंपेयर करता है, जब उसको कोई एक बेस्ट ऑप्शन मिलता है तब वो जाके कार खरीदता है। और ये हॉट सेलिंग कार भी बनी हुई है अभी, मतलब इस ईयर का लास्ट मंथ है, तब भी ये कार बहुत ज़्यादा सेल हो रही है। तो इसके बारे में पूरा रिव्यू होगा, इंटीरियर चेक कराऊंगा, जो भी फीचर हैं वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा, एंड माइलेज की भी बात करेंगे हम ऑनर से कि क्या माइलेज अभी स्टार्टिंग में ये दे रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और दिखाते हैं आपको फुल रिव्यू। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको स्मार्ट वॉच टाइप की, लेकिन इसमें वॉच नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बटन को प्रेस किया और गाड़ी हो गई है ओपन, इसके अंदर हम जा सकते हैं और इसमें कोई मैनुअली कोई की लगाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। लेकिन जो ये स्मार्ट वॉच टाइप है ये टाइम आइम नहीं दिखाती है, तो ये एक मतलब माइनस पॉइंट लगा मुझे। अगर इसमें टाइम भी होता तो यूज़र को बहुत आसानी होती। रिवर्स कैमरा भी गाइस बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा है कार के अंदर। कलर कॉम्बिनेशन जो है डैशबोर्ड का वो काफ़ी अच्छा है। सीट कवर आप देखेंगे तो ये कंपनी से सीट कवर जो मिले हैं ये भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ गाइस आप देखेंगे नीचे लाइटिंग आपको जो दिख रही है, इंटीरियर लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त है। ये जो आपको लाइट दिख रही है बड़ी प्यारी लगती है नाइट में, ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त लगी है मुझे, क्योंकि ये चीज़ आफ्टर मार्केट करवानी पड़ती है आपको कई कार में, लेकिन यहाँ आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर देखेंगे आप तो ये जो साइड मिरर है ये पावर है, इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखिए। तो ये चीज़ भी आपको अच्छा मिल गया, मतलब बहुत सारे फीचर हैं, ये देखिए आप बहुत सारे फीचर हैं। स्टीयरिंग व्हील बटन में भी आपको सारी चीज़ें बोली हम, कंट्रोल मेन्यू। तो गाइज आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा आर्म रेस्ट, ये देखिए, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंटीरियर लाइट है डैशबोर्ड पे प्रॉपर आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ इसमें जो हेडलैम्प की लाइट है वो ऑटोमेटिक है, जैसे ही हम लोग पार्किंग से बाहर जाएंगे तो ये लाइट हो जाएगी बंद, मीन्स इसमें सेंसर लगे हैं। कंपनी ने ये काफ़ी अच्छी चीज़ दी है कि आपको अगर नहीं ध्यान रहता है लाइट बंद करने के लिए तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो अब चलते हैं पार्किंग से बाहर और देखते हैं कि ऑटोमेटिक जो लाइट्स हैं वो ऑफ होती हैं या नहीं। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं पार्किंग से बाहर, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो लाइट्स हैं वो ऑफ हुई या नहीं। तो मैं निकलता हूँ कार से बाहर, चेक करता हूँ एक बार, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हेडलाइट गाइज हो चुकी है बंद, DRL ऑन है सिर्फ, आपने देखा एक ये फीचर है। तो अभी हम निकल चुके हैं पार्किंग से बाहर और हाईवे पे हैं। अभी हम जयपुर हाईवे पे भी पहुंचेंगे तो देखेंगे कि गाड़ी के जो इनसाइड जो नॉइज़ रहता है वो कैसा है, मींस बहुत सारी कार जो है ना उनमें इनसाइड बहुत नॉइज़ रहता है ऑन हाईवे जब आप ड्राइव करते हैं, तो ये चीज़ भी देखनी है। और इन ट्रैफिक कैसा कंट्रोलिंग है कार का, एंड स्पेस फील कैसा है, लाइक ड्राइव अगर हम कर रहे हैं तो क्या फील आता है, मींस कंफर्टेबल है या नहीं है, और पीछे की तरफ क्या स्पेस जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम अंडरग्राउंड जब जाते हैं, तो अभी मैंने जैसा कि आपको बताया था हेडलैम्प के बारे में, लाइट ऑटोमेटिक ऑन होती है एंड ऑफ हो जाती है। तो अभी हम फिर से
एक अंडरपास क्रॉस कर रहे हैं जो कि गुड़गांव में जयपुर हाईवे के पास में ही है। मींस इसको हाईवे को क्रॉस करने के लिए यू टर्न बनाया है, तो अभी देखेंगे आप लाइट ऑन हो गई ऑटोमेटिक। तो ये चीज़ काफ़ी ज़बरदस्त है और ये यूज़फुल फीचर कंपनी ने ऐड किया है। अभी जैसे ही हम बाहर जाएंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी, मीन्स अगर हमें ध्यान नहीं भी रहता है तो भी हमारा काम चल जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू ड्राइवर ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब जो लोग गाड़ी काफ़ी कार चला चुके हैं उन्होंने भी बोला है कि गाड़ी वाकई वैल्यू फॉर मनी है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रॉपर जो है कार आपको वो फीचर प्रोवाइड करा रही है जिस हिसाब से पैसे लिए गए हैं। तो ये अभी हम हाईवे पे आ गए हैं तो यहाँ पे आप जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं है एंड ऑलमोस्ट गाड़ी की रेटिंग मेरी तरफ से 5/5 है। अब जानते हैं ओनर तो से। गाइज अब हम हैं इस कार के ओनर के साथ, तो उनसे जानते हैं कि ये कार उन्होंने क्यों सिलेक्ट की। तो सर एक बार अपना नाम बताइए प्लीज। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और ये मैंने गाड़ी क्यों सिलेक्ट करी है, इसका रीज़न, मेन रीज़न ये है कि ये टाटा की गाड़ी है और जैसा कि आजकल मूवमेंट चल रहा है लोग वोकल फॉर लोकल, तो एक टाटा का भरोसा है और बस। और बाकी गाड़ी में सारे फीचर्स वगैरह तो ये लोग दे ही रहे हैं, जो बाकी अच्छा, और लोग दे रहे हैं उससे ज़्यादा ही है। तो अगर हम बोलें तो सिर्फ टाटा के नाम पे आपने ये गाड़ी खरीद ली, मतलब जेन्युइन थिंग है ना? आप हाँ अगर बोल रहे हैं तो कुछ ऐसा बोलो कि नहीं पता चले नहीं कि हाँ भाई सही है, अगर आपने टाटा के नाम पे गाड़ी खरीदी है तो। आप टाटा अगर इस गाड़ी को 10 लाख में बेच रही होती तो क्या आप खरीदते इसको? नहीं नहीं मतलब वैल्यू फॉर मनी है, ऐसा वैल्यू नहीं बस है। हम यही जानना चाहते हैं कि जो गाड़ी का आपने सिलेक्शन किया है वो वैल्यू फॉर मनी पे किया है या आपको मतलब सेफ्टी वाइज कुछ ऐसा लगा, कुछ एक तो ऑब्जर्वेशन रही होगी ना गाड़ी के लिए कि हाँ ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, लुक वाइज हाँ अच्छी लगी। मतलब जब गाड़ी खरीदी ना तो दो गाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा मैंने वो कंपेयर करा है, एक मारुति की बलेनो और ये टाटा की ऑल्ट्रोज, क्योंकि दोनों ही लगभग सेम प्राइस में और लगभग सेम फीचर्स हैं दोनों में। टाटा में एक्स्ट्रा ही थे दो चार, तो इस वजह से फिर बाकी ये मतलब टाटा 5 स्टार रेटिंग भी इनका आ रहा है आजकल, अच्छा, कि सेफ्टी फीचर्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं। एयरबैग वगैरह इसमें मैंने अभी जैसा कि दिखा चुका हूँ वैसे इसमें तुम्हें। आगे के दो फ्रंट में एयरबैग हैं और मतलब ये फ्रंट एयर बैग है, और प्लस वो जो रेटिंग हमें 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है जबकि मारुति की बलेनो को 3 स्टार की रेटिंग मिली हुई है, तो उस पर्पज़ से देखें तो ये सेफ्टी के लिए पर्पज़ से बहुत अच्छी है। तो जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि लोग ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे हैं और गूगल की जो रेटिंग होती है उसके हिसाब से भी आई थिंक 80% जो मतलब जो काफ़ी क्वालिफाइड लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं वो मेरे हिसाब से रेटिंग पढ़ के ही ज़्यादातर प्रोडक्ट खरीदते हैं। हाँ रेटिंग भी है जो मतलब ग्लोबली जो नॉन रेटिंग एजेंसी है वो जब हमें बता रही है कि 5 स्टार रेटिंग है, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने चेक किया ही होगा। तो गाइज वाकई जो कस्टमर आजकल जा रहे हैं कार पे वो रेटिंग और रिव्यू पे जा रहे हैं, वीडियोस पे जा रहे हैं। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको मैं जेन्युइन रिव्यू जो है वो आप तक पहुँचाऊँ। हालांकि मेरी जो वीडियो क्वालिटी है वो अभी बहुत अच्छी नहीं है और आप देखेंगे तो बहुत सारी कमियाँ आपको वीडियो में मिल जाएंगी, लेकिन जो मेरा कंटेंट होगा वो पर्टिकुलर मतलब जेन्युइन रिव्यू के साथ मैं लेके आता हूँ। चाहे मैं स्टीरियो की अनबॉक्सिंग करूँ, चाहे मैं एक कार का रिव्यू करूँ, तो कार म्यूजिक अब आपको 110% जेन्युइन रिव्यू दिखाता रहेगा। और भी अगर आप किसी कार का रिव्यू जानना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर टाटा अल्ट्रोज की बात करते हैं तो मैंने इसके जो फीचर थे, इसकी टेस्ट ड्राइव थी, वो सारा मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया। साथ ही साथ अगर हम इसके ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो क्या प्राइस है? ये मुझे पड़ी है 8.5 लाख रुपए में। इसमें 3-4 वेरिएंट आते हैं, तो मैंने जो टॉप वाला है वही लिया है, इसके बाद जो इससे ऊपर वाला वेरिएंट है उसमें बस ऑटोमेटिक है, तो ये टॉप ही एक तरह से। तो इसका जो टाटा अल्ट्रोज का माइलेज है वो तो अभी इस पे क्या 15-16 कुछ लिख के आ रहा सोलह है, सोलह सोलह सो का लड़के तो उन्होंने क्या बोला है 20 तक देगी गाड़ी है माइलेज या नहीं? ये मतलब हाँ हाईवे पे हमें 20 तक का क्लेम कर रहे हैं और वैसे 17-18, तो अभी 16 आ रही है, तो मेरे ख्याल से जितना वो क्लेम कर रहे हैं वो मिल रहा है मुझे। तो कुल मिला के आपकी जो पसंद है वो काफ़ी अच्छी है क्योंकि ये हॉट सेलिंग कार भी बनी हुई है अभी। थैंक यू वेरी वेलकम। मच। तो ये चीज़ आपने देखी कि यहाँ पे जो टॉप हॉट सेलिंग कार है, मैंने अभी एक दो वीडियो रिसेंटली किए हैं जिसमें एक ग्लेंजा और ये अपनी अल्ट्रोज और भी कंपनियों की कार में जो हॉट सेलिंग में है, मुझे अगर एक्चुअल पता चलता है कि हाँ ये कार पर्टिकुलर बिक रही है मार्केट में तो मैं
काफी मतलब एक अपना सर्वे करता हूँ पर्सनली, तब मैं कार को लेके आता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ जेन्युइन रिव्यू। तो आज का वीडियो इतना ही, और गाइज आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही साथ जेन्युइन थिंग के लिए, जेन्युइन रिव्यूज के लिए आप कार म्यूजिकअप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि ये है कार म्यूजिकअप, यहाँ मिलेगा सब।